सी पोइट्री लेके आई हूँ और मैंने कल ही ये सिर्फ 5 मिनट में लिखी है। आई होप आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। सो एक पास्ट का दौर था और एक अभी प्रेजेंट का दौर है, इसमें क्या डिफरेंस है एज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स में। सो एक वो दौर था जब टीचर के आने की आहट से शांति छा जाती थी, बच्चों को खुद अपनी ही आवाज़ नहीं आती थी। एक दौर ये है जहाँ शांति और टीचर का आपस में कोई रिश्ता नहीं। एक दौर ये है जहाँ शांति और टीचर का आपस में कोई रिश्ता नहीं। बच्चों की अंधाधुन गूंज में टीचर की अनमोल वाणी का कोई मोल नहीं। एक दौर था टीचर ने कह दिया जो वो पत्थर की लकीर होता था। टीचर ने बोला अगर दिन को रात तो रात, और रात को दिन तो वो दिन ही होता था। एक दौर ये है अगर कहता है टीचर कि खड़े हो जाओ तो सामने से एक्शन तो नहीं पर रिप्लाई जरूर आता है। टीचर के ऑर्डर बजाने के बजाय मैडम क्यों ये जरूर बोला जाता है। एक दौर था जहां टीचर की नजर से बच्चा डरता था। दूर से टीचर को देख दोनों हाथ जोड़ नमस्ते वो करता था। एक दौर ये है जहां बच्चों की नजरों में शर्म का कोई मोल नहीं। क्लास में टीचर की उपस्थिति का रहता उन्हें कोई होश नहीं। एक दौर था जहां टीचर को ज्ञान गंगा समझा जाता था, उनसे पढ़ने मात्र को बच्चों का तांता लग जाया करता था। एक दौर ये है जहां ज्ञान के बाबा यूट्यूब और AI हो गए। क्लास में बच्चे बैठे तो पर उनकी प्राथमिकता शिक्षा नहीं अटेंडेंस और मार्क्स हो गए। वो दौर कुछ और था जिसमें गुरु टीचर को माना जाता था, भगवान के साथ बैठाकर गुरु को पूजा जाता था। एक दौर ये है जहां टीचर की इज्जत और मान हर पल दांव पर रहता है, बच्चों का तो पता नहीं पर हर टीचर बच्चों से घबराया फिरता है। वो दौर अब शायद ही कभी आएगा जहां एकलव्य जैसे शिष्य गुरु के लिए कुछ भी कर जाएंगे। वो दौर अब शायद ही कभी आएगा जहां राम जैसे राजा एक छात्र के रूप में दीक्षा लेने सब त्याग गुरुकुल में जाएंगे। शायद वो दौर कभी फिर वापस आएगा जब शिक्षक फिर छात्रों के पालनहार कहलाएंगे। इसी इंतजार में हम शिक्षक अपना फर्ज यूं ही निभाते जाएंगे।